तो इमाम इबन हज़म रहमतुल्लाह अलैह मौला लिखते भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने रकतां जड़ियाँ 13 तरह पढ़िया, बड़ी मेहनत की 13 तरह कि हजूर ने इदा भी पढ़ी इदा भी पढ़ी, मगर उम्मत नूं जो दस्या जो मैं तुम दसदा हो कि दो दो से सलाम फेरी जाओ तो बाद चेक करके पढ़ लो। सानू यही हिदायत फरमाई कि तुहाड़े लई तरीका जिहड़ा होया इहो ही अफजल ते बेहतर है। उम्मत ये करे उंज आपने नौ कठियां नीचलियां तो नौवीं ते जा सलाम फेरिया, सतवीं आपने 13 तरह उसारियां, तीसरी जल जी अल मौला कट्ठे करती उन्होंने सन कि हजूर ने इदा भी पढ़िया इदा भी, मगर सानू तुहानू यही दस्या कि सलात लै ले मसना मसना, रात में जो नमाज पढ़ो दो दो करके सलाम फेरी जाओ, आखिर ते आओ तेरे बरकत में वाह कली उस कली शुरू करना, सुभान कला पढ़नी है उसे अलहमदरी पढ़नी है, बाद च हाथ उठा के दुआए कनूत पढ़नी है, फिर रुकू में जाना, कली का सलाम जरा वखरा, फिर असल सही तरीका जरा पढ़न का है कि 10 रकतां दो दो करके पढ़िया जान, 11वीं कली जी पढ़ के उसे कनूत पढ़ के उसका याद जरा वखरा फेरा जाए, और दो रकतां जड़ियाँ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बह के पढ़िया उसका फरमाया मुतरबिया अज जमें अत्ता याद तस्वीर महीने दूजी इदा नहीं पढ़िया वो चगोशा बह के ऐ जिन्ना गोडे मूहे मार के इस तरह चौकड़ी मार के पढ़िया, सिर्फ रकू सजदे जो जाते उदो खोल देंगे सी, मुड़ के फिर अत्ता हयात भी चौकड़ी मार के भी और दूसरा भी सारा जरा पढ़ तो कोशिश यही करें जो असी इख्तिदा करी जो आपने किया पिछे पिछे चलीए वो अंदर ही कामयाबी और बेहतरी है ए नमाज तहज्जुद की तुम फिक्र करनी है। और बाकी जो तरावी का हाल है ये हूँ मैं तिखी जिक्र करना, यानी सदियाँ पहले शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अल फुतूहात लिखते सतवीं जल्द उस गरीब लिखते हैं कि इन लोगों ने इस नमाज का की हाल कर दिता। सुमल्लदीना साबरू अलैह फिल आमा 308-309 था किन्ना वक्त हो गया जो इस नमाज में छुरी फेरी है आँदे, फिर वो लोग जिन्होंने आख्या नहीं है पक्की असी पढ़नी यदू ना हुआ अशमा दायम अन कसब एडे बुरे तरीके इन अदा करते हैं और इन्ने भैड़े तरीके नमाज पढ़ते हैं ला यज़कुरून अल्लाह फीहे ला क़लीला अल्लाह नूं याद करन दा सवाल ही नहीं, गलों लाउंदे आ कि वह मसीत लब्भे जिथे मौलवी छेती इहनूं खत्म करे, ला युकीमूना रुकूअहु वला सुजूदहु ना रुकू चजना हो रहा ना सजदा हो रहा, वला युरत्तिलूना क़िरातहु ना कोई कुरान पाक नूं ठहर ठहर के पढ़दा ना सोचदे, वमा सन्नहु मन सन्नवानी मन लई तुम्हारा कर वाहला माहुमुन नासल यौम रह मिनल मुतमय्यिज़ीन मिनल खुतबा वल फुक़हा व अइम्मतिल मसाजिद। और जो कुछ हज़रत उमर रज़ी ने आख्या कि कारी से पढ़ लिया करो वो ये है जिहड़ा हुण लोग कर रहे हैं, वफी मिसले सलात ने फी कारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल इरदे फथले फैन्ना कलम सले, यहो जी नमाज है जिहदे बारे हजूर ने वेख्या बे एक बंदे ने आके पढ़ी तो सलाम उलैह चलिया, आपने आख्या जाके मुड़ के नमाज पढ़ तू नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़ के चलिया तीन बारी होया तो अखीर उन्हें आख्या यार रसूल मैनू दे आऊं, फरमाया नहीं यहोजी नमाज कोई नमाज नहीं रुकू सजदे ठहर ठहर के कर सीधा खड़ा, फरमाउंदे जिहड़ी तरावी हुण पढ़ रहे इहोजे बारे च हजूर ने उस आख्या जा जाके मुड़ के पढ़ यही तेरी नमाज, फमा नाजा मारा क्याम रमदान मसनून क्याम वर मरगफी फर किम कमा शरा शार सलाद मिनत मानी ना वल खुशू वल वकार तदब्बर मा युतला वैला कान तरकू औला, आंदा जे करना ही है जे हज़रत उमर के तरीके से तू लगना चाहगा उदा पढ़ फिर जिमें दीन ने मुकर किया कि तसली खुशबो खुजू आज ही जो पढ़िया जाए उत्ते गौर वैला कान तर्क औला वल क्या किया वल लैल है वरना यदा तर्क बेहतर आंदा ये पढ़ना जानते हैं नफल पढ़द्या पढ़द्या गुनाह अपने खाते च लिखवाद यहोजी नमाज अल्लाह रसूल दसी, तो यह हूँ मेरे बयान करने की लड़ नहीं, हर बंदा वेख रहा कि किमें मुसीबतों के अंदर तबाही हुई है, ये वो नमाज नहीं जी अल्लाह रसूल ने दसी, इदा दी नमाजा रब नहीं चाहता, नमाज 13 रकतां पढ़ो 15 पढ़ो 11 पढ़ो, इस तो भी घट अगर कोई बंदा 11 भी नहीं पढ़ सकता चलो 9, 7, 5, 3, 2 दे नाल एक ही पढ़ लै गुजारा वह भी हो जाना क़यामुल लैल दा, मगर नमाज ठहर के पढ़ सही तरीके ना